goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। जिज्ञासा सिंह और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। भारत में पॉपुलर रहे पबजी मोबाइल पर कुछ समय पहले ही भारत सरकार द्वारा बैन लगा दिया था। हालांकि तभी से खबरें बाजार में गर्म रही हैं कि ये बैन कब हटेगा या हटेगा भी या नहीं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच पबजी कॉरपोरेशन की ओर से एक हायरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसे माना जा रहा है कि पबजी मोबाइल से भारत में बैन हट सकता है। हालांकि नौकरी के लिए पोस्ट का यह मतलब नहीं है कि पबजी मोबाइल वापस आ सकता है। दरअसल पॉपुलर बैटल रॉयल गेम पबजी के डेवलपर और पब्लिशर पबजी कॉरपोरेशन द्वारा लिंक्डइन पर एक जॉब पोस्ट की गई है। ये पोस्ट कॉरपोरेट डेवलपमेंट डिवीजन मैनेजर के पोस्ट के लिए निकाली गई है। कुछ लोग इसे एक संकेत के रूप में मान रहे हैं कि पबजी मोबाइल भारत में वापसी कर रहा है, लेकिन अगर गौर करें तो ऑनलाइन लिस्टिंग पर नौकरी केवल पबजी का नाम लिया गया है, न कि पबजी मोबाइल का, क्योंकि इंडिया में इसका पीसी वर्जन अभी भी काम कर रहा है। बता दें कि कुछ समय पहले एक वेबसाइट की रिपोर्ट में सामने आया था कि पबजी इंडिया में कमबैक करने के लिए टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल से बात कर रहा है। अगर पबजी और एयरटेल की डील होती है तो इससे एयरटेल के पास पबजी मोबाइल का वितरण अधिकार मिल जाएगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार यह बातचीत की अभी शुरुआती दौर में है। दूसरी ओर गेमिंग प्लेटफॉर्म भारत में एक अपनी टीम को बढ़ाने में भी व्यस्त है। कंपनी 4 से 6 साल के अनुभव वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रही है। इससे पहले पबजी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप से जुड़ी खबरें द हिंदू बिजनेस लाइन रिपोर्ट के हवाले सामने आई थी। कुछ समय पहले सामने आई रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों कंपनियों में बात चल रही है कि और जियो के साथ मिलकर पबजी भारत में गेम वापस लाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि पबजी के कई लॉन्ग टर्म प्लान्स भारत को ले। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।